तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए पांच ही गांव क्यों मांगे, और जो पांच गांव मांगे वो पांच गांव कौन से हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, धर्मराज, जिन्हें युधिष्ठिर भी कहा जाता है, शांतिपूर्वक इस मसले को हल करना चाहते थे। कौरवों द्वारा अपमान सहने के बावजूद भी उनसे संधि करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो उससे कई वंश तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। पांडवों ने युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने कौरवों के समक्ष में अपना प्रस्ताव रखा कि अगर वह पांच गांव उनको दे दें तो वे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना दावा छोड़ देंगे। दोस्तों, पांडवों के राजदूत बनकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस प्रस्ताव को लेकर के गए। दोस्तों, उन्होंने सबके समक्ष ये प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोका और कहा, यह पांडवों की चाल है। दुर्योधन भरी सभा में बोला कि पांडव हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल वो पांच गांव मांग रहे हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन, पांडव शांत प्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। वो बस कुल का नाश होते नहीं देखना चाहते। दुर्योधन, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि तुम पांडवों को आधा राज्य लौटा दो, उनसे संधि कर लो। अगर ये शर्त तो मान लो तो पांडव तुम्हें युवराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गांधारी और गुरु द्रोणाचार्य के समझाने पर भी हठी धर्मी जो दुर्योधन था, वह पांच गांव भी पांडवों को देने को तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, पांडवों को मजबूरी में अपना हक पाने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। पांडव नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। अब देखिए दोस्तों, गौर करेंगे, वो कौन से पांच गांव थे जो पांडव मांग रहे थे। देखिए, इनमें पहला था इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, जब पांडवों और कौरवों के बीच संबंध खराब हो गए तो धृतराष्ट्र ने यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ क्षेत्र को पांडवों को देकर अलग कर दिया था। यह क्षेत्र बड़ा ही दुर्गम था, यहाँ की जमीन भी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन पांडवों ने इस उजाड़ क्षेत्र को आबाद कर दिया। इसके बाद पांडवों ने रावण के ससुर और महान शिल्पकार मायासुर से विनती करके यह सुंदर सी एक नगरी बसाई, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। दोस्तों, दूसरा गांव था व्याघ्रप्रस्थ। महाभारत काल के व्याघ्रप्रस्थ को आज बागपत कहा जाता है। इसी जगह पर दुर्योधन ने लाछागृह का निर्माण करवा करके पांडवों को मारने की साजिश रची थी। दोस्तों, लाछागृह एक भवन था जिसे दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनके ठहरने के लिए बनाया था। दोस्तों, इसे लाख से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घेरे में रहने आए तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। दोस्तों, तीसरा गाँव था स्वर्णप्रस्थ। समय के साथ महाभारत का स्वर्णप्रस्थ सोनप्रस्थ बना और फिर सोनीपत कहलाया। आज ये हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर है। दोस्तों, चौथा गांव मांगा था पांडुप्रस्थ। दोस्तों, महाभारत काल में आज के पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहां पर महाभारत हुआ था। दोस्तों, पांचवा गांव मांगा था तिलप्रस्थ। दोस्तों, तिलप्रस्थ नाम का यह गाँव आज तिलपत के नाम से जाना जाता है और ये हरियाणा प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए केवल ये पांच गांव मांगे, मगर दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हुआ। तो अपना सम्मान और अपना अधिकार वापस पाने के लिए दोस्तों पांडवों के युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। इधर एक तरफ भगवान की सेना थी और दूसरी तरफ भगवान स्वयं थे। दोस्तों, दुर्योधन ने भगवान की सेना को चुना और पांडवों ने स्वयं नारायण भगवान को चुना। तो दोस्तों, जिस पर ईश्वर की कृपा होगी हमेशा विजय भी उसी की होगी। इसीलिए दोस्तों, कौरवों की सारी सेना का संहार हुआ और भगवान कृष्ण पांडवों के साथ रहे, इसलिए पांडवों को विजय प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।